बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के फैंस को लगा है तगड़ा झटका। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए टीम इंडिया के चार खतरनाक मैच विनर खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, कौन से हैं वो चार खिलाड़ी जो एक साथ हुए हैं बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, बताएंगे उन चारों ही धाकड़ खिलाड़ियों का नाम आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही छोटी से बड़ी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीम इंडिया 4 दिसंबर से बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने मैदान पर उतरेगी। आपको बता दें कि इस वनडे सीरीज के शुरुआती दो वनडे मुकाबले ढाका में खेले जाने हैं, जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला चटगांव में खेला जाएगा। ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में भारतीय टीम 4 दिसंबर को बांग्लादेश के सामने पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। इसके बाद दूसरा वनडे भी ढाका में 7 दिसंबर को खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 10 दिसंबर को चटगांव में खेला जाना है। इन तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम बांग्लादेश भी पहुँच चुकी है, जहां पर टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में मैदान पर नजर आने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ही भारतीय टीम के चार मैच विनर खिलाड़ी इस स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। ये चारों ही खिलाड़ी अपने दम पर टीम इंडिया को मुकाबले में जीत दिला सकते हैं। इन खिलाड़ी के पास ऐसी काबिलियत है कि ये पलक झपकते ही मैच का रुख बदल देते हैं। बावजूद ये खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि किशोर कुमार यादव, संजू सैमसंग, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक ये चार ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया में मैच जिताऊ खिलाड़ी माने जाते हैं। बावजूद इसके बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से इन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन चारों खिलाड़ियों के पास मैच का रुख बदलने की काबिलियत है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ही इन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और स्क्वाड में मौका नहीं दिया गया। ऐसे में इन चार खिलाड़ियों की कमी बांग्लादेश की सरजमी पर टीम इंडिया को खल सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि इन चार खिलाड़ियों की गैरहाजिरी में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।